नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है, जैसे कि आप जानते हैं अभी जनवरी का महीना चल रहा है और आगे गर्मी आने वाली है, तो गर्मी में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल लगती है मार्केट में, बहुत तेज़ी से उसका रेट भी रहता है। तो दोस्तों वाटरमेलन, उसके बाद कुकुम्बर, करेला, तुरई, इन जैसे फसलें बहुत ज़्यादा चलती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वाटरमेलन के बारे में, ए टू जेड जानकारी आज लेने वाले हैं। वाटरमेलन को कैसे बड़ा किया जाता है, क्या ज़रूरी चीज़ होती है, मल्चिंग उसमें कैसे लगता है, कितना लगता है, एक एकड़ में आपको खर्चा कितना आता है, कितने प्लांट्स लगाना चाहिए। वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा अंत तक देखिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लंबे में प्लॉट है 2 एकड़ का, अभी यहाँ पे स्प्रेइंग भी चल रहा है वाटरमेलन के ऊपर, एसटीपी गन से देख सकते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 एकड़ के प्लॉट में यहाँ पे 4x8000 पौधे यहाँ पे टोटल लगे हुए हैं वाटरमेलन के, और यहाँ पे फसल भी बहुत बड़ी हो चुकी है। ये देख सकते हैं 30 दिन की अभी फसल है, वाटरमेलन लगभग आधा पौन किलो के आसपास हो चुका है। ये देखिए। और दोस्तों ये फसल जो है ठंडी में 70 से 75 दिन में आती है और गर्मी में 65 दिन में हार्वेस्टिंग पे आ जाती है बहुत ही अच्छे से। तो इसके लिए आपको वातावरण कैसा रहना चाहिए और सीज़न कैसा रहना चाहिए, तो सबसे ज़रूरी क्या है कि इसको आप कोशिश कीजिए कि गर्मियों के दिनों में ये ज़्यादा आए, क्योंकि गर्मियों में मार्केट में लोग खाने को बहुत इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। या तो नवंबर के आसपास गर्मी थोड़ा सा रहती है, जहाँ पे बारिश कम हो जाती है और ठंडी भी नहीं रहती, वहाँ पे उमस वाला टेम्परेचर रहता है नॉर्थ इंडिया में, उस टाइम पे करेंगे तब भी रेट आपको मिलता है। लेकिन इस फसल को जो एक सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इसको 12 महीने आप कभी भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी फसल आती है 12 महीने में। बस दिसंबर के महीने में ये दिक्कत क्या करता है कि इसकी जो फूटने वाली शूट्स है उसके ऊपर मोज़ेक वायरस आता है, ठंडी की वजह से वो बढ़ नहीं पाता है। इसको जितनी हीट है, जितनी गर्मी है, उतना ये तेज़ी से बढ़ेगा और उतना फास्ट इसका हार्वेस्टिंग होगा। तो दोस्तों सीज़न की इसमें कोई मतलब टाइम टेबल नहीं है, कभी भी आप लगा सकते हैं मार्केट को फोकस करके। बरसात को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, 2 जगह पे, एक ठंडी और एक बरसात, थोड़ा सा जून जुलाई में बहुत तेज़ बरसात होती है। इसकी पत्तियाँ जो देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी रहती है, तो इसमें पाउडर मिलोडू, डाउनी मिलोडू बहुत तेज़ी से आता है और ख़राब हो जाता है। और इसको सॉइल कैसे लगती है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉइल का पीएच जो है 7 रहना चाहिए, न्यूट्रल 6.5 से 7 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके लाल सॉइल मिट्टी हो, वाटर ड्रेनेज वाली, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ब्लैक सॉइल हो तो भी चलेगा, लेकिन पानी उसमें सोच समझ के कायदे से अच्छे से देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। और नदी किनारे की जो मिट्टी रहती है दोस्तों, वो वाटरमेलन मस्क मेलन के लिए बहुत बढ़िया रहती है। जैसे वो कलरदार पट्टा वाला, जैसे आप नॉर्थ इंडिया में नदी किनारे, गंगा नदी किनारे लगाते हैं, वो बड़ा बड़ा रहता है, 5-5, 6-6 किलो का, 7-7 किलो का रहता है, उसके लिए भी बहुत बेहतर रहता है नदी किनारे वाली मिट्टी। हमारे वाली यही मिट्टी में बहुत ही अच्छा आता है। अब दोस्तों इसके लिए क्या है कि वैरायटी कौन सी है, सबसे ज़रूरी चीज़ मुद्दा यही रहता है कि वैरायटी कौन सी चूज़ करें, कौन सी चूज़ करें। हमारे यहाँ क्या है कि वैरायटी देखिए ढेर सारी है, लेकिन अभी लेटेस्ट में हमारे यहाँ क्या है कि मैक्स चल रही है, बॉस चल रही है, नामधारी की चल रही है, और उसके बाद ये देख सकते हैं आपके सामने ये शुगर क्वीन वैरायटी है, ये भी बहुत ही बेहतर चल रही है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब दोस्तों 1 एकड़ में आपको इसका बेड प्रिपरेशन कैसे करना है, तो देखिए पावर टिलर से, ट्रैक्टर से, आप 4.5 फीट से यहाँ पे देख सकते हैं बीच में, तो 4.5 फीट की जगह रखी है और बेड बनाया गया है। ये एक्चुअली शिमला मिर्च के लिए बेड बना था पहले से, शिमला मिर्च 4 महीने की इसमें फसल निकल चुकी है और उसके बाद जो बेड बचा था उसका फ़ायदा उठाया गया है, दूसरी बार इसमें फसल ली जा रही है। और 4.5 फीट से बेड प्रिपरेशन किया, मल्चिंग पेपर आपको बिछाना है, 1 एकड़ में 6 से 7 बंडल लगेंगे आपको मल्चिंग के, और मल्चिंग बिछा देने के बाद आपको 3-3 फीट पे होल लेना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये, और होल सेंटर में लेना है, एक यहाँ पे लीजिए और फिर 3 फीट पे फिर आगे यहाँ पे ले सकते हैं, तो ऐसे दूर दूर होल लेना है इसका 3 फीट पे। और पास में अगर होल लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत ये फैला फैला नहीं लगेगा, इसको जितना सुटेबल रहेगा, फैला फैला रहेगा, उतनी आपकी फसल अच्छी आएगी और ग्रोथ अच्छी आएगी इसकी। अगर इसको आप ज़्यादा जितना पास पास में लगाते हैं, उतना आपका वाटरमेलन जो है आपका बड़ा नहीं होगा, हनुमाना जो है वो छोटा ही रहेगा। और दोस्तों ये इस वाटरमेलन को आप क्या कहते हैं, कुछ लोग हनुमाना भी कहते हैं, हमारे यहाँ कलिंगड़ कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों प्लांटेशन की अगर बात करें तो 1 एकड़ में इसमें 4000 पौधे लगाए, बहुत ज़्यादा लगाने से कोई मतलब नहीं, 4 से 5000 पौधे लगा सकते हैं 3-3 फीट पर, बस उतने में बहुत ही अच्छा आपका यील्ड आ जाएगा। और प्लांटेशन करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ क्या रहती है इसमें फसल में, आपको अच्छे से ड्रेंचिंग करना पड़ता है, जैसे फंजीसाइड का ड्रेंचिंग करिए बेहतर रहेगा, और ट्राइकोडर्मा का ड्रेंचिंग कीजिए बेहतर रहेगा, उसके बाद 12x7 का ड्रेंचिंग कीजिए। और 12वें 13वें दिन पे आपको क्या करना है कि जो आगे आने वाली फुट है, मेन फुट, उसको इस तरीके से कट कर देना है, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, इसको यहाँ से कट किया, ये देखिए इस तरीके से, तो कट कर देने का क्या होता है कि साइड शूट्स बहुत तेज़ी से निकलते हैं, ये देखिए यहाँ से टेंड्रिल से नहीं है,
टेंड्रिल के बगल से साइड शूट्स निकलते हैं। यहाँ पे अभी देखिए सेटिंग चल रहा है इसका, मैंने तो इसको दिखाने के लिए आपको बताया। 12वें 13वें दिन आपको आगे से कट कर देना है ताकि साइड शूट्स निकलेंगे, और साइड शूट्स निकलने की वजह से क्या होगा कि सेटिंग आपका ज़्यादा होगा और फल फ्रूट्स ज़्यादा लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ये दो यहाँ पे लगे हैं और ये यहाँ पे भी लगा है बगल में, ये देखिए इधर, और इसके बगल में अभी पीछा सेटिंग है, ये देखिए यहाँ पे दो हार्वेस्टिंग इसका आप कर सकते हैं इसके वजह से, एक बार से। अच्छा यहाँ पे भी देखिए, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे शुगर क्यून का ये फसल यहाँ पे लगी हुई है। इसमें किरण वैरायटी भी आती है, पूरा ब्लैक रहती है, वो भी बेहतर रहती है। तो ड्रेंचिंग में एक चीज़ ध्यान देना है आपको, 2-3 ही ड्रेंचिंग करना है इस फसल में, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है आपको। इसमें NPK मेंटेन रखना पड़ता है स्टार्ट से लेके अंत तक। 60 दिन की फसल है दोस्तों, ज़्यादा कुछ इसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक महीना तो वैसे ही देखते देखते निकल जाता है, और जब फसल बड़ी हो जाती है तब आपको इसमें 052-34 की ग्रेड देनी पड़ती है, 13045 की ग्रेड देनी पड़ती है। एक एकड़ में 3-3 किलो हफ्ते में आप 2-2 बार देंगे तो बहुत अच्छे बढ़ेगी। और एक ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि जब ये फसल बड़ी हो जाती है 30 दिन की इस टाइप की, यहाँ पे देख सकते हैं, तब आपको 0050 बढ़ाना पड़ेगा और पोटैश का बैक्टीरिया आपको ज़मीन में छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब ये आपका जैसे कि बड़ा होने लगता है तो क्या होता है कि दोस्तों ये फसल खींचने लगती है, बहुत न्यूट्रिएंट्स बहुत खींचने लगती है। जब न्यूट्रिएंट्स खींचने लगती है तो आपको नीचे से बहुत देना पड़ेगा, हफ्ते में एक बार इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देना पड़ता है। तो इस तरीके से इसका फर्टिगेशन नॉर्मली कीजिए, ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। और यहाँ पे तो ये सेकंड फसल है ऑलरेडी, इसमें खाद फर्टिलाइज़र वगैरह बहुत था तो इन्होंने बहुत कम दिया है। अभी यहाँ पे स्प्रे हो रहा है तो स्प्रे के ज़रिए क्या करते हैं कि और न्यूट्रिएंट्स देते हैं बहुत ही अच्छे से। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ मुद्दे पे आते हैं, इसका स्प्रेइंग शेड्यूल कैसे रहना चाहिए। अब देखिए जब आप फसल लगाते हैं तो 6-7 दिन इसको कुछ नहीं देना है, 6-7 दिन के बाद आप इंसेक्टिसाइड चालू कीजिए। पहले आप जैसे कि लैमडोसाइलेथ्रिन दे सकते हैं 1 मिली से, उसके बाद आप थाइमोजम दे सकते हैं 0.5 ग्राम के हिसाब से, और एक आर एक, उसके बाद बायो 303 नाम की ऑर्गेनिक दवा आती है वो भी आप देख सकते हैं। और इंसेक्टिसाइड में काफ़ी सारी इसमें दवाई देनी पड़ती है क्योंकि इसमें एफिड और जेसिड्स बहुत आते हैं और मोजैक वायरस आता है। मोजैक वायरस के लिए आप डेल्टामेथ्रिन अल्फामेथ्रिन इन जैसी दवा दे सकते हैं 1 मिली के हिसाब से। और इसमें फंजीसाइड के तौर पर अगर बात करें तो इसमें मैनकोजेब, बावेस्टीन, उसके बाद क्लेरोथेनोलिल आप इसमें दे सकते हैं, और रिडोमिल गोल्ड दे सकते हैं, और सल्फ़र इसमें देंगे तो बहुत बेहतर रहता है। सल्फ़र की वजह से क्या होता है कि ये पत्तियाँ जो है क्लोरोफिल कंटेंट इसमें एक्टिव हो जाता है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है और सेटिंग भी बहुत अच्छा होता है। तो इस फसल में तो बहुत अच्छा सेटिंग है, देख सकते हैं। इस फसल में क्या है दोस्तों, जितना आप खर्चा कम करेंगे उतना बेहतर रहेगा क्योंकि 60 दिन के अंदर तुरंत फसल ख़त्म हो जाती है और हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से इसका होता है। और इसके फ्रूट सेटिंग के लिए आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे हफ्ते में एक बार लेंगे तो और बेहतर रहेगा इसके लिए। अगर आप इसका पर्टिकुलर अगर फर्टिकेशन शेड्यूल चाहते हो वाटरमेलन का, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। और इस फसल को आप कैसे लग रही वो भी मुझे बताइए कमेंट में जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए इस वीडियो को जो है दोस्तों, क्योंकि इतनी अच्छी फसल यहाँ पे 2 एकड़ की आई है, आपके लाइक के बिना मज़ा ही नहीं है इस फसल में। अब दोस्तों बात करते हैं हम थोड़ा सा इसमें ख़तरनाक चीज़ क्या होती है कि जब ये फसल बड़ी हो जाती है, जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये फसल हो जाती है, तो इसमें क्या है दोस्तों कि एक ये देखिए इस टाइप का हो जाता है, ये फसल ख़राब हो जाती है। क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे जैसे कि उसको क्या कहते हैं फ्लाई कहते हैं, या हमारे यहाँ फड़माशी उसको कहते हैं, यहाँ पे आती है और डंक मार देती है, और डंक मार के वो चली जाती है, उसके बाद इसमें लार्वा हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आप प्रिवेंटिव में जैसे कि कोराजन नाम की दवा आती है वो ले सकते हैं, लार्वा इसको चाटेगा नहीं, ख़राब नहीं करेगा। और दोस्तों कोराजन के बाद आप यहाँ पे रोगर नाम की दवा आती है डाइथोमेट, उसको भी ले सकते हैं 2 मिले के हिसाब से, वो भी बेहतर रहेगा। तो इसको स्प्रे का मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ता है। और आखिरी जब इसको 50 से 70 दिन तक फसल में क्या होता है कि इसका वेल्टिंग बहुत तेज़ होता है, उस टाइम पर आपको पानी ज़्यादा देना है और पोटैश आखिरी स्टेप में बहुत ज़्यादा देना है ताकि जल्दी से फल फूल जाए। नहीं तो क्या होगा कि आप यहाँ पे अगर कंटिन्यू पानी दे रहे हैं, फर्टिकेशन बहुत तेज़ी से दे रहे हैं, तो इसका वेल्टिंग बहुत तेज़ी से होता है और फसल बहुत ख़राब हो जाती है, और इसमें थ्रिप्स का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़, बिना मल्चिंग के इस फसल को मत कीजिए, बिना मल्चिंग के आप इस फसल को करेंगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें अगर बात करें खर्चे की बात करें, तो देखिए इसमें अगर 4000 प्लांट लगा रहे तो इसका एक प्लांट जो है 3 रुपये की मिलता है, क्योंकि इसका सीड्स महंगा रहता है। अगर प्रो ट्रे में आप बनाते हैं तो आपको 2-2.25 रुपये के आसपास बन जाएगा अगर खुद बनाते हो, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि नर्सरी वाले एक्सपीरियंस आदमी से बना के लिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो 4000 प्लांट का 12000 रुपये हो गया, और अगर आप 1 एकड़ में मल्चिंग पेपर बिछा रहे
तो आपका टोटल मल्चिंग बिछा उछा के लेबर उबर लेके मेरे हिसाब से 15,000 से 20,000 खर्चा हो गया। तो 12,000 प्लांट का और 15,000-20,000 रुपये पकड़ ले, तो दोनों मिला के 30,000 रुपया प्लांट का मल्चिंग का आपका प्लांटेशन का खर्चा हो जाएगा, 30,000 रुपया प्लांटेशन तक। उसके बाद आपका स्प्रेइंग शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल, उसका आप टोटल 20,000 मान लीजिए, तो 30,000 और 20, 50,000 टोटल आपका खर्चा हो गया। तो 50,000 और उसके बाद आपका लेबर वगैरह इधर उधर टोटल खर्चा लेके 60,000 से 70,000 रुपये दोस्तों आपका एक एकड़ में खर्चा होना ही होना है, उससे कम नहीं होगा। अगर आप ऐसे नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके अच्छे से करते हैं, मल्चिंग बिछा के, ड्रिप इरिगेशन बिछा करते हैं, तो दोस्तों खर्चे में मैंने ड्रिप इरिगेशन नहीं पकड़ी है, केवल 60,000 से 70,000 प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक मैंने स्प्रेइंग फर्टिगेशन, ये पूरा आपको शेड्यूल बताया जो मेरा खर्चा होता है। अगर दोस्तों आप एक एकड़ में अच्छा फसल ला रहे हैं, 20 टन कम से कम पकड़ लीजिए, अगर एक पौधे में मान लीजिए दो तीन हनुमाना लगते हैं, तो 20 टन तो आराम से निकलेगा। 20 टन अगर निकलेगा और अच्छा निकलना चाहिए, 25-30 टन निकलना चाहिए, क्योंकि 5-5, 4-4 किलो का एक हनुमाना होता है। लेकिन 20 टन मान लीजिए, 10 रुपये से रेट मिला तो 2,00,000 रुपये हो जाएगा। 60,000 खर्चा निकाल दी तो 1,40,000 आपका 60 से 70 दिनों में बच जाएगा। दोस्तों कौन सी ऐसी फसल है कि आपको 60 दिन में 1,00,000-1,25,000 रुपये दे के चली जाती है? मैं कहता हूँ 2 महीने में आपको 1,00,000 दे तो 50,000-50,000 हो जाएगा। कौन सी जॉब से तो बहुत ही बेहतर है, और कौन सी फसल आपको दोस्तों इतना पैसा अच्छा नहीं दे सकती 60 दिन के अंदर। लेकिन अगर रेट अच्छा रहे तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं दोस्तों। मैंने 2-3 रुपये से भी हनुमाना बेचा है, और हनुमाना मैंने ऐसे सड़ भी गया है, वो भी बात अलग है, वो अपने जगह बात है। लेकिन गर्मियों में 10-8-9 रुपये ऐसे रेट मिलता है, एवरेज रेट अच्छा रहता है। लेकिन मार्केट को कौन मतलब बता नहीं सकता कि क्या कैसे चल रहा है। तो दोस्तों ये तो हुआ खर्चे के बाद, अब मार्केटिंग आप कैसा कर सकते हैं? अगर आप सिटी के पास में है तो सिटी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप गांव देहात में रह रहे तो पहला हार्वेस्टिंग करेंगे 7-8-10 टन का, तो एक गाड़ी आप एक टाइम पे 10 टन की भर के मार्केट में अच्छे सिटी में ले जा सकते हैं, वहाँ पर अच्छा भाव बिक जाएगा। अगर आपके यहाँ पर ले के मार्केट में मतलब व्यापारी है आके ले जाता है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि गाड़ी व्यापारी ले के आता है, माल देखता है और कुतवाई बता देता है कि हाँ भाई हम तुमको इतना में माल लेंगे तुम्हारा 2 किलो के ऊपर, और उसके नीचे का अलग रेट देंगे, क्योंकि 2 किलो के ऊपर जो फल है उसका रेट अच्छा देते हैं हमारे यहाँ, तो उसके नीचे। तो आपके यहाँ क्या स्ट्रेटजी है थोड़ा मार्केटिंग की, आप मुझे वो बताइए। अगर सिटी के पास आप लोग रह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए मार्केटिंग के। हम लोगों के लिए क्या होता है कि यहाँ से दूर लेना जाना 250-300 किलोमीटर और बहुत महंगा पड़ जाता है, लेकिन फिर भी क्या करें, उगाया है तो बेचना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे। तो दोस्तों और आपको क्या लगता है वाटरमेलन के बारे में, वो मुझे पूछिए जल्दी से, क्योंकि क्या है कि ये फसल जब तक हार्वेस्टिंग होगी तब तक मैं कोशिश करूँगा वाटरमेलन के और वीडियो बनाए, क्योंकि आपके कमेंट्स अगर आएंगे तो और मुझे लगेगा कि हाँ यार इसके बारे में, उसके बारे में, ये बारे में वीडियो बनाना चाहिए। शेड्यूल के बारे में तो अलग से डिटेल में मैं बनाता हूँ, और स्प्रेडिंग शेड्यूल का चाहिए तो वो भी आप मुझे पूछिए, वो भी मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, एफिडजेसिस आते हैं उसके बारे में भी। तो दोस्तों और कुछ हो तो ज़रूर पूछिए, और ये वीडियो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना भूलिएगा, और हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।